This is day 20 of our journey through the lower Himalayas. We are at Oli, an exquisite ski resort as well as a place of religious significance. I wake up to the sound of a bhajan which reverberates amidst the snow peaks all around me. I follow the sound and make my way up to the temple where I find an extremely knowledgeable priest to talk to. इस जगह को औली क्यों कहा जाता है? औली जो है वो अवली से बना हुआ है. अवली हिंदी का शब्द है. अवली बोलते हैं पंक्ति के लिए. तो ये वृक्षावली से घिरा हुआ बुग्याल है. तो वृक्षावली के होने की वजह से इसको अवली बोलते हैं. पंडित जी, ये किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है. अच्छा, इसका थोड़ा बहुत इतिहास बताइए. इसके संबंध में पुराणों में बहुत बड़ी व्याख्या है कि जब त्रेता युग के अंतिम समय में लंका में राम रावण का महासमर चल रहा था, मेघनाथ की वीरघातनी शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनके निदान के लिए वहाँ के वैद्यराज ने ये बताया था कि हिमालय पर्वत पर गंधमादन पर्वत क्षेत्र में द्रोणगिरी नाम का पर्वत है और उस पर्वत पर संजीवनी बूटी है. अगर वह अर्धरात्रि से पूर्व लंका पहुँच सके तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं, अन्यथा उनका जीवन संकट में पड़ेगा. तो इस कार्य के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा कि तुम संजीवनी बूटी लेके आओ. तो हनुमान जी वहाँ से वायुवेग से चले. जब वे हिमालय पर्वत क्षेत्र में पहुँचे, गंधमादन पर्वत क्षेत्र में पहुँचे, तो उन्हें इस स्थान पर एक बहुत ऊंचा टीला दिखाई दिया और वो उस टीले पर उतर पड़े. उन्हें ये भ्रम हो गया कि शायद यही द्रोणगिरी पर्वत है, इसलिए उन्होंने विचार किया. उनके पद प्रहार से ये पर्वत दब गया और आज ये टीले के रूप में है और इसका नाम जो है संजीवनी शिखर है. तो यहाँ से उन्होंने सामने द्रोणगिरी पर्वत के प्रथम दर्शन किए, इसलिए इस स्थान को जो है संजीवनी शिखर कहते हैं. From the temple at Oli, we descend about 13 kilometers by road to reach Joshimath, the place where Adi Shankaracharya had received enlightenment. As we all know, Adi Shankaracharya was a great Hindu philosopher who lived around the year 9 AD. He wrote commentaries on the Upanishads, the Brahma Sutras, and the Gita, and enunciated the philosophy of Advaita or non-dualism. As I walk in, I see a strange sight. A prone body in cement symbolically pierced by arrows. It is the deathbed of Bhishma Pitama, the grandfather of the warring brothers in Mahabharata. Andar aao beta. Idhar aao. Wow, look at this tree. This must be the famous mulberry tree under which the Shankaracharya had done his meditation and sadhana. If the dates are right, then this tree should be roughly 2000 years old. I talk to the priest here and find out more. Yehi aadi jagat guru ji ki tapasthali. Kab unhone yahan tapasya ki thi? Aaj se 2000 varsh purv. 200 varsh purv tapasya kiya yahan par.
उस वक्त ऑल टू ऑल फॉरेस्ट था, कोई पॉपुलेशन नहीं थी, तो पेड़ी के नीचे रहे गुरुजी और इसके नीचे गुफा पत्थरी के नीचे रहे। अच्छा, केव, केव में रहे। हाँ हाँ। आप कब से हैं इस मंदिर से जुड़े हुए? 25 साल से, और मेरा घर भी यहीं पर है। अच्छा जी, कहाँ रहते हैं? यहीं बगल में घर। अच्छा जी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। माय नेम शशि शेखरानंद। इमोर्टैलिटी, सम आर बोर्न विद इट, सम अचीव इट, एंड सम आर सिंपली हैप्पी विद देयर 15 मिनट्स ऑफ फेम। दिस मॉर्निंग वी आर बिसाइड आवरसेल्व्स विद एक्साइटमेंट। वी आर गोइंग फ्रॉम ओली टू द स्नो पॉइंट बाय अ नोवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, the cable train. I can hardly describe the exhilaration of traveling by this totally open trolley. It's really like a kiddie's ride in an amusement park, only the view is too good for a man-made inn. अच्छा, स्कीइंग यहाँ कौन से सीजन में बेसिकली चलती है? मैम, यहाँ पर स्कीइंग जो हमारी है वो जनवरी टू और मार्च एंड तक चलती है। अच्छा, बस उसके बाद बर्फ खत्म हो जाती है? उसके बाद तो स्नो मेल्ट होने लग जाती है, तो स्कीइंग हमारी बंद हो जाती है। अच्छा, सो दिस इज द एंड ऑफ सीजन, है ना? अच्छा, यहाँ से कौन कौन सी पीक्स दिखाई देती है जरा बताइए। मैडम, यहाँ से हाथी घोड़ी पीक दिखाई देगी। कौन सी? ये सामने जो है, अभी स्नो क्लाउड है अभी। ओके। और फिर ये सामने नंदा देवी पीक है, एकदम सामने नंदा देवी जी। यहाँ से कोई ट्रैक्स भी चलते होंगे ना? हाँ मैडम, यहाँ से एक ट्रैक चलता है वारी पास रूपकुंड। हाँ। उसी को लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है। कहाँ तक जाता है? वो जाता है ग्वालदम तक। लास्ट ग्वालदम तक हम होके आए। हाँ जी, यहाँ वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं आप। फ्रॉम स्नो पॉइंट वी आर ऑफ टू कासर पीक बाय रेगुलर केबल कार। The view here gets even better. You know, there's something here which reminds me of Bombay. What? Look here. Look at this. Virar locals. Virar fast all the way to Garhwal Peak. Good old Bombay. Yes. Ah, look. Castle Peak is where all the skiing action is, and although we have no intention of joining it, we end up doing just that.
Vinod. How's your experience of skiing? Not again. Not again. Let's do a Hindi film. What are you doing? That is stupid. This is no Hindi film. This is all any kids guy. Horrible man. Bombard! Dar! Your feet must be cold. Yeah, it's a little cold, but not too bad. You've been walking in the snow with this? Yes. No, I came from down, from Yosemite. But because I have sand, I just walk about 500 meters, but I didn't reach the top. I would have to come back tomorrow with boots to be able to reach the top. You're very adventurous. Just a little. Make you feel alive. Yes, you're right. What are you eating? I'm papad. Straight from Bhatinda. Nice. Listen, what time does the cable car come up? Around 3:30. 3:30? A long way to go. See the jeans steaming? Her jeans. This is the 14th day of our journey through the lower Himalayas. We are still at Kausani, which is 32 miles from Almora. I find a cozy little tea stall by the roadside to sit and jot down my impressions of the place. The tea here is really good. Wow! You found a nice spot to work in. You bet. Uh-huh. Are we ready to go? I think so. All right, I'll just be a minute, huh? We are now moving from the Kumaoun region into Burma. Our next stop is a place called Gwaldham, which is at the border of these two regions. The picturesque topography continues though, without a rupture. Rain awaits us as we enter Gwaldham at night. The morning is grey and cold at Gwaldham. I get chatting with this sweet old man who is the watchman of our guest house. It turns out to be a really interesting conversation. आप गए कभी बद्रीनाथ केदारनाथ? नहीं। जाना चाहते हैं? हाँ। कौन सी जगह? बद्रीनाथ, जोशीमठ। जोशीमठ, बद्रीनाथ। हाँ, केदारनाथ। केदारनाथ। इधर कोई राजा का महल था पुराना? हाँ। कौन सा राजा? ये अंग्रेज था, अंग्रेज का राज था। अच्छा। हाँ। आप थे यहाँ तब अंग्रेजों के जमाने में? जी महात्मा गांधी का वो था सुभाष चंद्र बोस का वो खेत देखा आपने देखा गांधी जी को देखा साहब आए थे यहाँ ना यहाँ नहीं आए बिल्डिंग समय हल्द्वानी हल्द्वानी कब ये बहुत साल हो गया हम छोटा छोटा था उस समय सब रह गया यहाँ तो जब औरत का दूध पीता था बच्चों को मार देता था
अंग्रेज। अब कोई गरीब गुद्दा होगा उसको दूध का बारी लगा, अब उसे गाय भैंस का दूध नहीं पाए, औरत का साथी का दूध दिया, उसको मीठा हो गया, उसने बोला ये इतना दूध पिया, ये दूध है कहाँ का, ये कौन सा दूध है। उसने बोला साहब हमारा तो गाय भैंस नहीं था, हमने आपने छाती का दूध दिया। उसने बोला अच्छा यही दूध लाओ, अब जहाँ औरत पैदा हुआ तो वो बच्चा मार दिया और उसका छाती का दूध उसी को दिया। हाँ तब अंग्रेज ले अंग्रेज को हटाया। बारिश ठंडा बहुत बढ़ गया। जनरली ऐसा होता है जी सर, कभी भी महीनों में कभी भी गिर गया इस बार तरह ज़्यादा ही सर, और सालों से इस बार ज़्यादा ही ठंडा। अच्छा ग्वालधाम जो है मैंने सुना कि ये एक ऐसा छोटा सा टाउन बोली, एक विलेज बोली जो आधा कुमाऊँ आधा गढ़वाल में, ये कल्चरल डिफरेंस होने के बावजूद यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है ना? फ्रिक्शन नहीं है, आराम से समाज में रहते हैं एक दूसरे के साथ, मिलजुल से रहते हैं। और क्या क्या मतलब होता है इन दोनों के आपस में? शादियाँ होती सर, होती है जी, हाँ होती है सर, और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है सब एक दूसरे के वहाँ जाता है आपस में, वेरी गुड, मिलजुल के रहते हैं। और शॉप कीपर्स भी यहाँ आधे कुमाऊँ के हैं आधे गढ़वाल के हैं। The view point. कहाँ जा रहे हैं? घास काटने? कितनी दूर? बाजू में The grass is such a verdant green and so lush that I just have to walk through it. Once again, I'm possessed by my recurring desire to stay back, settle down, make a home at such a beautiful place. I'm forever caught between my wanderlust and this strange urge to stay on and grow roots. But as usual, the vagabond in me wins. आपका नाम क्या? नन्नो क्या जी, मैं कौन? कुसुमा देवी। कुसुमा देवी का? कुसुमा देवी। ये टोकरी है ना, ये आप खुद बनाते हैं? तो इसमें क्या रखते हैं? घास वगैरह? वो जो काटते हैं घास वो इसमें भर के ले जाते हैं? गाय को। आपका उम्र कितना है? 80 नहीं हुआ है, 80 बस। अभी 80 नहीं हुआ? नहीं ऐसी नहीं हुआ अभी। इस उम्र में भी आप काम करती हैं? करती है, और आप करती रहेंगी? करने थे मणि थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ी थोड़ी। बच्चे काम नहीं करते हैं आपके साथ? करने वो भी करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। What a face the old woman had. Each of the thousand lines on her face spoke of a life lived in all its vicissitudes, dignified, graceful, and simple, much like the landscape of the city. Further ahead, we spot a lovely vantage point for me to take a few photographs. But I don't just get pictures, I get great images.
The hills abound with interesting visuals, some incongruous, some absurd. Like this strange gate opening into nowhere, or like this man who proves that strong collars are necessary to keep your hands free. Or this lovely picturesque lion, more like a Chinese motif really. In the meantime, I have struck up a conversation with some shopkeepers in the market. It's amazing how they are all so friendly, so unassuming and simple. सामने शिखर कैलाश हैं, शंकर भगवान जरा भी बादलों से छुपे हुए हैं ना तो आपको सब कुछ वहाँ दिखाई देता है। यही बात है साहब कि ये भी सिर्फ दो दिन का सरप्राइज हुआ है तो आप बिल्कुल खुले मौसम में रहते हैं और अच्छा भी है इस मौसम ने जरा ठंडक दे दी है ना तो इस टाइम यहाँ पर काफी गर्मी हो जाती है। अच्छा चलना आगे जाना है। राम राम। The hillmen are also an extremely hardy lot. Here is a man single-handedly carrying a huge steel almirah on his back and that too uphill. Can you imagine a sight like this in the cities? Reminds you of Sisyphus, doesn't it? Soon we are travelling along the famous tributary of Ganga, the Mandakini. We are on our way to Rudraprayag, where the two rivers, Mandakini and Alaknanda, will meet. The town of Rudraprayag is a typical riverside town of religious importance. Close-set houses stacked on a hillside, all looking down at the river. If the town looks banal and ordinary, the sight it overlooks is the exact opposite. Here is the great earthly drama of two rivers meeting to become one. But it is not merely a geographical drama which plays itself at Rudraprayag. This is the living spectacle of a mythology, of a system of faith that uses this magical sight to perpetuate itself. A very religious person, but if I am in Rudraprayag, I must go to that very point where the two rivers meet. The stairway from the temple offers such a dramatic perspective. The vanishing point going into a plain of roiling water is really an incredible sight. Try as you might, the force of the waters and the faith of millions which flows with it casts a spiritual spell on you. You think, this is the Ganga. This is where life begins and this is where magic resides. Yeah.
A journey is like a never-ending cascade of sensations. We have hardly digested the quaint and slightly chaotic sensations of our encounter with the intrepid trumpet player when another sensation takes over, that of awe and humility. From this point onwards, the real Ganga begins. Again and again, the Ganga invades into our consciousness with its mythological, historical, and beauteous presence. We gaze upon it and the surrounding hills, seeking tranquility and inspiration. Evening descends as we settle into our log huts a few kilometers before Haridwar.